अगर आप कभी कंपेयर करते हो तो इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर निकल आता है अगर आप पल्सर 150 से कंपेयर करते हो तो लोग इस मॉडल को दिखा के बोल रहे हैं लेटेस्ट मॉडल. सो दिस इज़ नॉट अ गुड ऐप. मतलब ऐसे ही बस फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैं जो भी ऐसा कर रहा है. मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता पर अच्छा नहीं लगता ये सब मतलब फेक चीज़ें दिखाना. सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आप देख रहे हो प्रभाकर पीओवी और इस वीडियो पे मैं कोई फेक रिव्यू नहीं देने वाला हूँ. बहुत लोग काफ़ी सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इसी बाइक को उठा रहे हैं मतलब जो लेटेस्ट मॉडल जो आई है न्यू जनरेशन उसको नहीं दिखा के इसी मॉडल को दिखा रहे हैं और इसको दिखा के वो लोग बोल रहे हैं कि ये नई वाली वर्जन है. पर ऐसा कुछ नहीं है. मैं स्टार्टिंग पे बोल रहा हूँ दिस इज़ नॉट द लेटेस्ट मॉडल. जो हाल ही में लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले वो मॉडल नहीं है ये. सो हाँ पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ क्योंकि लोग फेक वीडियोस दे रहे हैं लोगों को. और यस आज मैं आप सभी को ये क्लियर कर दूंगा कि जो न्यू मॉडल आई है उसमें आपको क्या क्या दिखने को मिलती है कंपेयर टू दिस. सो डिज़ाइन में कोई चेंज आपको दिखने को नहीं मिलेगी. कोई भी चेंजेस नहीं. फ्रंट हेडलैम्प का जो सेटअप है हेडलैम्प का सेटअप फुल्ली चेंज कर दिया गया है एंड इंस्ट्रूमेंट पैनल. सो इंस्ट्रूमेंट पैनल एंड हेडलैम्प का सेटअप और ये जो आप देख रहे हो ना कवरिंग इस कवरिंग को ये जो आप गैप इस बाइक में आपको गैप दिखने को मिल रही है पर जो नई वाली आई है रिसेंटली जो लॉन्च हुई है उसमें आपको ये फुल कवर दिखने को मिलता है और जो वो काफ़ी अच्छी दिख रही है. और यस बैकलाइट का जो सेक्शन है इसको भी चेंज कर दिया गया है. डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है. और इस बाइक पे आपको फेक कार्बन फिनिश टाइप टेक्सचर दिखने को मिलता है. दिस इज़ नॉट द रियल कार्बन फाइबर. दिस इज़ अ फेक. बस एक लुक को एनहेंस करने के लिए इसको दिया जाता है मतलब टीवीएस वाले देते हैं जो कि हाँ अच्छी दिखती भी है और अटेंशन भी लेती है. कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये रियल कार्बन फाइबर है पर ऐसा कुछ नहीं है. और ये बस यहाँ पे नहीं है. अगर आप अंदर देखोगे यहाँ पे भी आपको दिखने को मिल जाता है. इस पैनल पे पूरा साइड पैनल पे भी आपको दिखने को मिल जाती है. सो इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे. और हाँ साउंड भी आपको सुना दूंगा मैं. और पहले मैंने क्लियर कर दिया दिस इज़ नॉट द लेटेस्ट मॉडल. सो यस अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है आप स्किप कर सकते हो. अगर आपने पहले देख रखा है अगर आपको ये वीडियो नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो. लेटेस्ट मॉडल हमारे पास अभी है नहीं फिलहाल. जिस दिन वो आती है उस दिन हम बात करेंगे. और हाँ ग्राफिक भी चेंज कर दिया गया है. जब आप लेटेस्ट मॉडल जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे. सो यस ग्राफिक वगैरह आपको चेंज दिखने को मिलेगा. ये जो आप स्टेप्स देख रहे हो ना ये सब आपको दिखने को नहीं मिलेगा. और ये पार्ट ये जो थोड़ा शार्प है ना इसको अब स्ट्रेट कर दिया गया है और थोड़ा शार्प कर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है. और BS4 में आपको कार्बोरेटर इंजन दिखने को मिलता था अभी आपको फ्यूल इंजेक्टेड इंजन के साथ आती है. और यस बेटर देन पल्सर 150 परफॉर्मेंस के मामले में डेफिनेटली. अगर मैं ये आपको क्लियर कर देता हूँ पहले ही अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप कभी कंपेयर करते हो तो इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर निकल आता है अगर आप पल्सर 150 से कंपेयर करते हो तो. सो राइड रिव्यूज़ का मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा कुछ दिनों में. सो उस दिन आप देख लेना. मैं उस दिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा. सो वीडियो आप चेकआउट करना. सो फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं. इंस्ट्रूमेंट पैनल आपको बाद में थोड़ा मैं दिखाता हूँ. सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट लुक में. फ्रंट का जो सेटअप है वही आपको थोड़ा एग्रेसिव दिखने को मिलता है स्पेशली इस जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ना इस डिज़ाइन की वजह से. और इसमें DRL है. ये जो आप देख रहे हो ना ये DRL है. जब इग्निशन आप ऑन करते हो तो चलती है. ये जो मॉडल है हमारे साथ फिलहाल जो है ये हेलोजन के साथ आती है. जब अभी जो लेटेस्ट मॉडल आई है वहाँ पे आपको फुल्ली LED सेटअप दिखने को मिलता है. फुल्ली LED अपर डिपर दोनों. और ये जो आप देख रहे हो ना LED को इसको भी चेंज कर दिया गया है. अभी आपको थोड़ा आई के अच्छी जैसा डिजाइन आई का जैसा आपको शार्क आइस जैसा डिजाइन आपको दिखने को मिल जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है बिलीव मी. इंडिकेटर्स हाँ ये मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है. यस फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आपको दिखने को नहीं मिलते जैसे आपको रेडॉन पे दिखने को मिलते हैं. आप देख रहे हो फुल्ली फ्लेक्सिबल. सो यहाँ पे कोई आपको फ्लेक्सिबल नहीं है. अब आते हैं सस्पेंशन पे. तो इसका जो सस्पेंशन है कंपेयर टू अदर जितने भी 150-160 से कैटेगरी में जितने भी बाइक्स आते हैं उससे अच्छा सस्पेंशन आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाते हैं TVS Apache 162V में. ये जो आप देख रहे हो ना MIG काफ़ी अच्छी सस्पेंशन है भाई. 5-way आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो. सो 5-way एडजस्टेबल सस्पेंशन रियर सस्पेंशन आपको दिखने को मिल जाते हैं. अब बात करते हैं इसके टायर के रियर टायर के बारे में. सो एक ही नेगेटिविटी मुझे इस बाइक की लगी वो है इसका रियर टायर. नेगेटिविटी इन द सेंस कि ये थोड़ा मुझे पतला सा दिखने को मिल रहा है. अगर थोड़ा ब्रॉड रहता मतलब ये 160cc की बाइक है. सो उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा ब्रॉड टायर मिलता तो ज़्यादा सही रहता. और इसके सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो 110x80 सेक्शन की टायर यहाँ पर दिखने को मिलती है जो कि ठीक ठाक सी है. अगर और थोड़ा ब्रॉड होता तो ज़्यादा सही रहता. और इसके जो अलॉयज है रिम पे आपको यहाँ पे स्टिकरिंग दिखने को मिल जाती है TVS रेसिंग का.
ये भी एक अच्छी अटेंशन लेती है ऑब्वियसली, और पीछे भी आपको ये टेक्सचर दिखने को मिलता है कार्बन फाइबर वाला फेक। सो वही ग्रैब रेल भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में है, और ये जो आप स्टिकरिंग आप देख रहे हो ना, ये सामने से लेकर पूरा पीछे तक आती है और काफ़ी अच्छी लगती है मैन, बिलीव मी। सो ग्राफिक्स पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं टीवीएस वाले, जो कि आप इस बाइक को देखने के बाद आप श्योरली ये बोल पाओगे, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो ग्राफिक इन्होंने यूज़ किया है, मतलब सही लगा मुझे। ये जब स्टेप्स देख रहे हो ना, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे RTR 160 और यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग का एक छोटा सा सिंबल दिखने को मिल जाती है। सो बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है एंड दैट्स प्रीटी इनफ। सो बात करें अगर इसके इंजन के बारे में, तो वही 159.7 cc की इंजन है। तो ये पावर जनरेट कर देती है 13.9 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और 15 bhp की पावर, जो कि इनाफ है। अगर आप देखोगे पल्सर 150 से अगर कंपेयर करते हो, तो डेफिनेटली उससे अच्छी पावर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में। सो ऑन करते ही फुल स्वाइप एंड इस तरफ 1 2 3 गो। सो यस, पार्ट ऑफ डिजिटल एंड पार्ट ऑफ एनालॉग आपको दिखने को मिल जाती है मीटर, चाहे आप जितने भी डिजिटल मीटर सब जितने भी लगाव रखो, पर ये जो एनालॉग मीटर जो रहते हैं ना, जो स्वाइप करती है ना, ये अलग ही एक फील देती है मैन, बिलीव मी। और इस तरफ आपको सभी इन्फॉर्मेशन दिखने को मिल जाती है, इंजन चेक लाइट, फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस की वार्निंग, बैटरी लो है यानी वो इंडिकेट कर देती है। एंड यस, ब्रेकिंग के बारे में हमने बात नहीं किया, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है ये। एंड इस तरफ आपको ऑडोमीटर, टाइम एंड वही फ्यूल मीटर आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्पीड शो करेगी। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर देखने को मिल जाती है, यस, और जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी सही फीचर्स है। सेफ्टी के मामले में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी एक फीचर्स है। सो अब आते हैं इसके फ्रंट में, और जो DRS मैंने आपको बताया था, हैव ए लुक, जब यह जलती है तो इस तरह की कुछ लुक आपको निकाल के देती है। सो अब बात करते हैं इसके सेक्शन टायर के, फ्रंट टायर के बारे में। सो 90 सेक्शन का आपको 90x90 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको देखने को मिल जाता है, वो सिंगल चैनल ABS, यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS ही दिखने को मिलता है, यस, रियर में आपको ABS दिखने को नहीं मिलता। एंड फ्रंट का जो डिक्स है 270mm का फ्रंट डिक्स आपको दिखने को मिल जाती है विद गोल्डन क्लिपर्स। जो बैक क्लिपर्स आप देख रहे हो, ये गोल्डन कलर के दिए जाते हैं। अब TVS के कोई से भी आप उठा लो, जितने भी बाइक्स हैं सब में आपको गोल्डन कलर का ब्रेक क्लिपर्स दिखने को मिल जाते हैं। एंड सिंगल चैनल ABS आते हैं, मैंने आपको बता दिया। और अगर बात करें इसके रियर डिस्क के बारे में, सो 220mm का रियर डिस्क आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई आपको ABS दिखने को नहीं मिलता, जस्ट नॉर्मल ब्रेक। एंड यहाँ पे भी आपको गोल्डन कलर की ब्रेक क्लिपर्स दिखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, यस, और ये 220mm का रियर डिस्क ब्रेक है, काफ़ी सही है। एंड स्विच क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, तो काफ़ी अच्छी स्विच क्वालिटीज़ यहाँ पे, कोई गैप वगैरह यहाँ पे दिखने को मिलता है, मतलब अननेसेसरी कोई नॉइज यहाँ पे आपको दिखने को नहीं मिलता है। सो यस, और ये BS6 है, फ्यूल इंजेक्टेड के साथ आती है। माइलेज के बारे में अगर बात करें, तो ये कंपनी क्लेम करती है 45-50 के माइलेज ये निकाल देती है। अब अगर कोई ओनर ये वीडियो देख रहा है, तो मेक श्योर आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आप इस बाइक से क्या माइलेज निकाल रहे हो, मुझे बस जानना है, एंड मेरे व्यूवर्स को भी, हमें जानना है कि ये बाइक कितनी माइलेज निकाल के देती है। वैसे अगर कभी मौका मिला तो मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट जरूर लेके आऊँगा आपके साथ, पर फिलहाल अगर कोई ओनर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें बताना, कमेंट पे जरूर बताना आप, कि आपको कितना माइलेज निकाल के देती है ये TVS Apache 162V। सो यस, होप सो मैंने हर एक चीज़ कवर कर लिया इस बाइक के बारे में। एंड दिस इज़ नॉट द लेटेस्ट मॉडल, मैं वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत लोग इस चीज़ को मतलब अलग ही तरीके से दिखा रहे हैं यूट्यूब पे। सो टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ नॉट द लेटेस्ट मॉडल, और सभी को पता है क्योंकि मैंने रिव्यू पे आप सभी को दिखा दिया। इंस्ट्रूमेंट पैनल फुली डिजिटल हो चुकी है, एंड फ्रंट का जो हेडलैम्प है काफ़ी चेंज हो चुका है, फुल्ली चेंज हो चुका है। लोग इस मॉडल को दिखा के बोल रहे हैं लेटेस्ट मॉडल, सो दिस इज़ नॉट अ गुड, आप मतलब ऐसे ही बस फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो मैम, जो भी ऐसा कर रहा है। मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, पर अच्छा नहीं लगता ये सब, मतलब फेक चीज़ें दिखाना। सो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। आप बताना आपको कैसा लगा ये रिव्यू, एंड बहुत ही जल्द इस कलर पे भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, मतलब वीडियो आ रहा है इस कलर पे, मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, बस एडिट बाकी, एडिट करते ही इसका रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, पीस आउट एंड राइड सेफ, हमेशा अपने गियर्स के साथ राइड करना, हेलमेट तो मस्ट है, हेलमेट मस्ट आपको यूज़ करना ही चाहिए। So till then, bye, peace out and ride safe.